बीजेपी मंडल अध्यक्ष हिरोडी सह मुखिया ग्राम पंचायत धुरेता प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह का आगमन जमुआ प्रखंड के झारखंड धाम में होने जा रहा है, जिसको लेकर बात करेंगे प्रदीप सिंह जी से। साथ ही साथ कुछ सवाल इनसे होंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी, तो आइए बात करते हैं। आज का जो आगमन है केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का, कितना तैयार है जमुआ उनके स्वागत में? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह जी का आगमन पर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है और हमको लगता है लाखों के लोग उपस्थित वहां होंगे उनके बातों को सुनने के लिए, क्योंकि देश में ऐसा गृह मंत्री, ऐतिहासिक निर्णय वाले गृह मंत्री पहली बार मिला है। परिवर्तन रैली नाम दिया गया है, क्यों दिया गया, क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? परिवर्तन रैली इसलिए दिया गया है, वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है, एक भी वादा इन्होंने जो वादा किए थे वो एक भी वादा पूरा इन्होंने नहीं किए, चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो, चाहे महिलाओं को चूल्हा खर्च देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, एक भी वादा इन्होंने पूरा अपना नहीं किए। इसलिए ये तय कर लिया झारखंड की जनता ने कि इस बार हमें परिवर्तन करना है। अमित शाह के आज जमुआ आगमन का कितना प्रभाव आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ने जा रहा है? आज के रैली से ये तय हो जाएगा कि वर्तमान सरकार झारखंड सरकार के उल्टी गिनती आज के रैली से ही तय हो जाएगा कि इनका शुरू हो गया है। आगामी विधानसभा पर बात अगर हो रही है तो दावेदारी जो यहाँ पर है विधायक प्रत्याशी का, जिसको लेकर कई उम्मीदवार सामने निकल कर आए हैं, क्या लगता है इस बार केदार हाजरा की दावेदारी जो है वो कितनी मजबूत है? इस संबंध में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे, हम लोग पार्टी का सिपाही हैं, जो भी पार्टी तय करेगी वो सर्वोपरि है। वर्तमान विधायक का कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है? कार्यकाल ठीक ही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद अपने क्षेत्र में कार्य करने के प्रति समर्पित रहे हैं और कार्य विकास हुआ है। परिवर्तन रैली है आज अमित शाह जी का, क्या यहाँ जमुआ विधानसभा क्षेत्र में भी जो प्रत्याशी है उनका परिवर्तन होगा? मैंने आपसे आग्रह पूर्वक कह दिए कि यह पार्टी निर्णय करेगी, शीर्ष नेतृत्व का ये मामला है, हम एक पार्टी का कार्य करता है, हमें जो भी पार्टी का निर्देश मिलता है उस कार्य को हम लोग करते हैं, इस संबंध में नेतृत्व ही तय करेंगे और जो नेतृत्व तय करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। विकास के काम जो है उसकी आप सराहना किए हैं, अमित शाह का आगमन आज जो है वो ऐतिहासिक है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आम जनता जो है या फिर बीजेपी को इसका कितना लाभ मिलेगा इस पर भी आपसे चर्चा हो रही है। झारखंड में सरकार तो काफ़ी लोकप्रिय है, मैया सम्मान योजना दिया है, अबुआ आवास योजना का लाभ मिला है, तो ये जो दोनों आवास योजना है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैया सम्मान योजना 4 साल 10 महीना सरकार वादा की थी और वह 4 साल 10 महीना सोए रही, अंत के समय में 2 महीना में ये जनता को लोली पॉप दे करके ये सहानुभूति वोट के चलते ऐसा राजनीति की, अगर करना ही था तो आज 4 साल 10 महीना के पूर्व करते, लोगों में एक विश्वास जगता कि जो इन्होंने वादा किए है वो हमारे लिए पूरा किए। परिवर्तन रैली सफल रहेगी या फिर असफल हो जाए? ऐतिहासिक होगी, ऐतिहासिक होगी। आज का परिवर्तन रैली झारखंड धाम में ऐतिहासिक होगा, कहना है प्रदीप सिंह जी का। बहुत ही उत्साह है इनमें, बहुत ही उत्साह है जमुआ प्रखंड के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में। रैली जो है आज बहुत ही ऐतिहासिक होगा, उनका आना जो है झारखंड के लिए सकारात्मक होगा। सरकार पर कटाक्ष किया है, विधानसभा चुनाव पर अगर बात की जाए तो इन्होंने यहां पर जो नेतृत्व है विधायक केदार हाजरा के रूप में उसके बारे में कहा कि काम इनका ठीक हुआ है, अब इनको एक बार फिर से मौका मिलता है अथवा नहीं ये आला कमान तय करेगा। धन्यवाद।